नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो इससे पहले हमने काफ़ी ड्रग कंसीडर की थी द्रव्य गुण के अंतर, जो द्रव्य गुण का सेकंड पार्ट है, तो उसमें हमने काफ़ी ड्रग पढ़ी हैं। जैसा कि आपने देखिए आरगवध हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरी कंसीडर की है इससे पहले। अब देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले सुंठी के बारे में। सुंठी, जैसा कि इसको अदरक कहते हैं, सौंठ कहते हैं, अदरक कहते हैं, इसके काफ़ी नाम हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए, अगर ये देखा जाए तो ये किस किस गढ़ में आती है, ये भी तो बात है कि इसके भी कुछ गढ़ होंगे ना। तो अब देखो, अब इसको क्या क्या बोलते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जो सुंठी को कौन कौन से गढ़ में इसमें रखते हैं, तृप्तिगण, ठीक है, अर्थोघन और दीपनीय, शूल प्रशमन, तृष्णा निग्रहण, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी इसमें गढ़ हैं जो इसमें रखे गए हैं। और पंचकोल त्रूषण में आप इसको रखते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपरली सुंठी की बात। तो सुंठी की बात करते हैं, तो हम सुंठी देखने वाले हैं। तो देखिए सुंठी का जो बॉटनिकल नेम है, जिंजीवर ऑफिसनेल है, ठीक है। जिंजीवर ऑफिसनेल, जैसा कि जिंजीवर ऑफिसनेलिस कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो भी सही है, और जिंजीवर ऑफिसनेल है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फैमिली है, इसकी क्या है, जिंजीवर ऑफिसनेल इसके बॉटनिकल नेम हो गया, जिंजीवरीसी इसकी फैमिली है, ठीक है। लेकिन आपको एक मिनट में आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो सुंठी है ना, सुंठी या अदरक, देखिए जब आपको पता होना चाहिए, सुंठी हम तब कहते हैं जब अदरक जब वेट वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुंठी कहते हैं। और जब तक वो थोड़ी सी वैसी रहती है, वैसी का मतलब जो थोड़ी सी इसमें नमनेस, थोड़ा सा गीलापन रहता है, वेट रहती है, तो तब उसको क्या कहते हैं, अदरक, ठीक है। तो अदरक कहते हैं, और सुंठी को ही सौंठ कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सुंठी, अदरक, सौंठ, ये बात एक ही है, और अदरक थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग है, एक ही चीज़, लेकिन इसमें अंतर क्या है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब सुंठी के साथ पर्याय हैं, ठीक है, सुंठी के साथ पर्याय। अब सुंठी का देखते हैं, सुंठी का अगर साथ पर्याय हैं वो कैसे कैसे हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो बिस्वा नाम है, विश्व है, मतलब ये क्योंकि ये विश्व में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं, ठीक है। बिस्वा, बिस्वा, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसको नागर भी कहते हैं, महौषध कहते हैं, ठीक है, नगरों में पाई जाती है, और इसको महौषध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये औषध में महान है, ठीक है। विश्व भेषज है, मतलब सभी जगह पाई जाती है, सब जगह ये भेषज का काम करती है। श्रृंगवेर इसका नाम दिया गया है, ठीक है, और उषण नाम दिया गया है, क्या है, श्रृंगवेर और उषण इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अदरक की, मतलब अदरक की, ठीक है। अब अदरक को भी हम लोग क्या कहते हैं, जब एक ही चीज़ है तो उसके जहाँ तक है सिनोनिम भी एक ही रहेंगे, ठीक है। श्रृंगवेर, कटुभद्र, ठीक है, इसका वो जो रस होता है वो कटु होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कटुभद्र कह दिया, हमने आद्रका कह दिया, ठीक, क्योंकि इसमें आद्र मतलब आद्रता रहती है, इसलिए इसको आद्रका कह दिया। अदरक सौंठ कह दिया, मतलब सौंठ है कैसी, अदरक जिसमें आद्रता हो, ठीक है, उसको कह दिया अदरक, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसके पर्याय देखे। अब हम बात कर लेते हैं इसके मुख्य कर्म की। इसका जो मुख्य कर्म है, जैसा कि मैंने बताया अभी, अब गढ़ में आपने बताया था कि तृप्तिगण, अर्सोघन, ठीक है, तो इसको हम तृप्तिगण कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका स्वरूप जो है वो कंदयुक्त होता है, कैसा कंदयुक्त, जैसा कि आपने देखा है, ठीक है, और बहुवर्षायु छुप है, ठीक है, बहुत वर्षों, मतलब इसकी खेती काफ़ी लंबे समय तक की जा सकती है, ठीक है। इसका जो प्रयोजन अंग है वो क्या है, कंद है, क्या है, कंद, जैसा कि हमने अभी स्वरूप देखा था कंदयुक्त है, इसलिए हमने बोल दिया इसका प्रयोजन अंग कंद। जैसा कि हम जानते हैं कंद बिल्कुल धरती के नीचे रहते हैं ना, तो धरती के नीचे रहते हैं तो उसी को हम कंद कहते हैं, तो और ये भी धरती के नीचे ही होती है। अब बात करते हैं इसके रसपंचक के बारे में। अब रसपंचक देखते हैं, तो रस, पहले देखिए हमने क्या किया है, पहले सुंठी और अदरक को अलग अलग करके देखा है, ठीक है, तो अलग अलग करके देखा है, तो सुंठी और अदरक को हम एक एक करके देखेंगे। तो इसका रस क्या है, दोनों का क्या है, कटु है, ठीक है। गुड़ क्या है, पहले का जो सुंठी का है लघु स्निग्ध है, ठीक है, जिससे कि देखिए हम उसमें देते भी हैं, जो लघु स्निग्ध के कारण हम लोग क्या करते हैं इसको, जब किसी को जुखाम उखाम में भी देते हैं, ठीक है, और जुखाम में इसका फंकी मारने के लिए चूर्ण देते हैं, कि चूर्ण इसका चूर्ण खिलाते हैं, ठीक है, सुंठी चूर्ण। अब देखिए इसमें क्या है, अदरक गुरु तीक्ष्ण है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगी, ये भी काम करेगी, ठीक है, गुरु तीक्ष्ण हो गया। इसका जो वीर है, दोनों के उष्ण है, ठीक है, और विपाक क्या है, पहले का तो मधुर है, ठीक है,
कटु, कटु के आधार पे कटु होना चाहिए, लेकिन सुंठी का क्या होता है, विपाक मधुर होता है, ठीक है, विशिष्ट गुण के कारण, ठीक है। और अदरक का रहता है कटु, आपको इसको याद कर लेना होगा, कव्वा सामक है और कव्वा सामक है, इस प्रकार से हमने इसको देखा। तो सुंठी क्या है, सुंठी अदरक, सौंठ और अदरक इसका नाम है, जिंजीवर ऑफिशनल इसका नाम है, जिंजीवर ऐसी फैमिली होती, सुंठी के पर्याय सात हैं, पर्याय कौन कौन से, विश्वा, विश्व नागर, महौषध, विश्व भेषज, श्रृंगवेर, उषण। अदरक का क्या है, श्रृंगवेर, कटुभद्र, अद्रका, अदरक सौंठ व अदरक। और रसपंचक क्या है, रस हमने देखे सुंठी का कटु, अदरक का भी कटु, गुड़, गुड़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, गुड़ में सुंठी का लघु स्निग्ध है और अदरक का गुरु तीक्ष्ण है। और वीर का हमने देखा, वीर दोनों के उष्ण उष्ण है, विपाक मधुर कटु है, ठीक है, मधु सुंठी का, अदरक का कटु। और दोष कर्म में हमने कव्वा सामक देखा, दूसरे में भी कव्वा सामक देखा। अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए इसको हम देखते हैं कि अदरक पादप कैसा होता है, तो ऐसा पादप होता है ये, देखिएगा, ठीक है। और प्रयोजन क्या है, अदरक और शुंठी, देखिए ये तो अदरक है, देखिए आप यहाँ पे ये नोट से, ये किल्ले से उभर रहे हैं, ठीक है, यहीं से पौधा बन जाता है, इसको गाड़ देते हैं। और शुंठी देखिए सूखी सूखी सी है ना, ये देखिए सूखी सूखी सी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अदरक पादप, ठीक है। और प्रयोजन अदरक शुंठी, हमने इस चीज़ को कंसिडर किया, देखा, तो यही है आज का एक टॉपिक था द्रविगुण सेकंड के अंतर्गत, हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रोथ में शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने वाले ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और मिलता हूँ एक इसके नेक्स्ट पोर्शन में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।